भाई होंडा ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एंट्री ले ली है अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिवा को लॉन्च करके। जी हाँ, होंडा ने एक्टिवा के दो वेरिएंट्स आज लॉन्च किए हैं, जहाँ पे आपको या तो बैटरी स्वैपिंग का ऑप्शन मिलता है या फिर आपको फिक्स बैटरी वाला ऑप्शन मिलता है। करंटली हमारे साथ एक्टिवा ई वाला ऑप्शन है, जहाँ पे बेसिकली आपको स्वैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको बैटरी देखनी है तो इस तरीके से आपको बैटरी मिलती है, तो अंडर सीट आपको स्पेस तो नहीं मिलेगी यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये दो बैटरी मिल जाएंगी जिनको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और स्वैपिंग स्टेशन पर चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 किलोवाट आवर के दो बैटरी पैक्स मिलते हैं। और चलिए मैं आपको इसका स्वैपिंग स्टेशन भी चेकआउट कराता हूँ कि कैसे आप इनकी बैटरीज को निकाल के अपनी बैटरीज को स्वैपिंग स्टेशन पर जाके स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पर दो मॉडल्स आते हैं, टॉप एंड मॉडल में आपको स्वैपिंग सिस्टम मिलेगा और जो लोअर मॉडल आएगा वहाँ पर आपको फिक्स बैटरी मिलेगी जिसको आपको घर में चार्ज करना पड़ेगा। तो ये काम कैसे करता है स्वैपिंग स्टेशन, बेसिकली जब भी आप अपनी स्कूटी लेंगे यहाँ आपको इस तरीके का एक एक कार्ड मिल जाएगा और आपको स्वैपिंग स्टेशन को विजिट करना है। सिंपली यहाँ पे टैप कर देना है और जो दो एम्प्टी स्लॉट्स होंगे वो लिट अप हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सिंपली अपनी जो यूज्ड बैटरी हैं उनको प्लेस करना होगा, फिर कुछ सेकंड्स वेट करना होगा एंड यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि कौन सी बैटरी 100% चार्ज है। अब रेंज के बारे में बात करें तो टॉप एंड मॉडल में आपको ये सिस्टम मिलेगा, 102 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी आपको। और वेट करते हैं कि कौन सी बैटरी 100% चार्ज है। लाइक दीज टू बैटरी में आपको इंडिकेशन आ गई है इस तरीके की, और आप इस तरीके से अपनी बैटरीज़ को 100% जो चार्ज होंगी उनको अपनी स्कूटी में लगा सकते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्वैपिंग स्टेशन तो दिखा दिया कैसे काम करेंगे अगर आप एक्टिवा ई खरीदते हैं तो, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना एक्टिवा ई जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक्टिवा ई ये बेस मॉडल एंड ये है टॉप एंड मॉडल। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 102 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बैटरी के बारे में बात करें तो एक्टिवा ई में आपको स्वैपेबल बैटरीज मिलती है, 1.5 किलोवाट आवर की दो बैटरी पैक्स मिलेंगी दोनों ही वेरिएंट्स में, चाहे आप इसका बेस मॉडल लें या फिर टॉप एंड मॉडल। मोटर के बारे में बात करें तो 6 किलोवाट की मोटर मिलती है, बाकी पूरी स्पेक्शीट आपके सामने है, आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो टॉप एंड मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7 इंच का क्लस्टर मिलता है और बेस मॉडल में 5 इंच का क्लस्टर मिलेगा, ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी दोनों में ही आपको डिस्क टाइप ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में और ड्रम टाइप ब्रेक्स मिलेंगे रियर में। रेंज आप यहाँ पे 3 मोड देखेंगे तो उनके हिसाब से भी हो सकता है ड्रॉप मिले। तो जो 102 किलोमीटर की रेंज दिखाई गई है वो ऑब्वियसली आपको इकोन मोड में मिलेगी, यानी कि जो सबसे इकोनॉमी मोड होगा। बाकी आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है, और ये 3 मोड आपको सेम मिल जाएंगे इसके बेस मॉडल में। तो ये जानकारी है एक्टिवा ई की। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक्टिवा ई की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। थैंक यू।